लोग जा रहे हैं धारी देवी का मंदिर जा रहे हैं। धारी देवी का मंदिर का कहानी इस तरह से है कि धारी देवी जो थी वो सात भाई थे और उनके सात भाई थे और जो माँ थी वो अकेले थी, लेकिन जो सात भाई थे सातों भाई उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और जब उनको ये पता चला कि इनके चक्कर में हमारा और नुकसान हो सकता है और कुछ खतरा हो सकता है, तो उनसे और ज़्यादा वो चिढ़ने लगे और उनसे नाराज हो गए। तो उनकी जो सात बहन भाई थे उसमें से सबको पता चला कि उनसे नुकसान हो सकता है, इस कारण से उन्होंने उनसे दूर रहने लगे। और कुछ दिन बाद उनके जो पांच भाई थे उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उन दोनों को ये पूरा विश्वास हो गया कि जो मतलब जो लोग कह रहे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है, और इस कारण से उनके जो दो भाई थे उन्होंने माता धारी देवी का गर्दन मतलब काट दिया, सर से धड़ को अलग कर दिया। ये क्या हुआ? चलिए तो उनके जो भाइयों ने इनका सर जब काट दिया, काटने के बाद इनको अलकनंदा नदी के नदी में इनको फेंक दिया गया। फेंकने के कारण इनका जो सिर था वो बहते हुए जब आ रहा था तो एक नदी के किनारे एक भाई साहब थे, नदी के किनारे एक आदमी नहा रहा था। नहाते वक्त उनको एक आवाज़ आया कि इनको आप हमें बचाओ, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो बंदा डर गया और डर से वो सोचा कि अगर हम इनको बचाने जाते हैं तो शायद हम भी डूब सकते हैं, तो इस कारण से वो रुक गए, बोले हम नहीं जा पाएंगे। और फिर नीचे नदी से एक आवाज़ आता है कि आप हमें बचाओ, हम आपके लिए सीढ़ी, जब जब आप पैर रखोगे सीढ़ी आपके लिए बनाएंगे और आपको हम डूबने नहीं देंगे। जब वो आदमी उतरने लगा उनको धारी माता को बचाने के लिए, पहले उनको विश्वास नहीं हुआ कि क्या वो मुझे बचा सकते हैं कि नहीं, तो फिर उनको लगा कि उन्होंने आवाज़ दिया कि हम आपको बचा लेंगे, आप आराम से आओ, आपके लिए हम सीढ़ियाँ भी लगा देंगे ताकि आपको जहाँ जहाँ आप रहोगे आप आराम से बच के आ सकते हो। फिर उनको कुछ विश्वास हुआ उन पर कि जब इतना आश्वासन दे रहे हैं वो हमें बचाने के लिए, तब वो उनसे जब उतरने लगे उनको बचाने के लिए, फिर आस्ते आस्ते एक एक सीढ़ी, जब भी वो एक पैर रखते थे ना तो एक एक सीढ़ी उन पर सामने आते चला गया, और जिससे वो फिर उनको बचाकर सामने लेकर आ गए। फिर माता ने खुद उनको बताया कि आप यहाँ पर एक पत्थर पर मुझे स्थापित करो। माँ फिर उन वहीं पर एक पत्थर स्वरूप वहाँ पर स्थापित हो गई। और माना जाता है कि जो भी लोग चारधाम की यात्रा अगर कर रहे हैं तो या तो पहले या तो बाद में धारा देवी का दर्शन करना है। धारी देवी माता का अगर नहीं करते हैं तो आपकी जो चार धाम की यात्रा जो है वो पूर्ण नहीं होगी।
भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा दोनों एक साथ मिल रहे हैं। कौन से न्यूज़ चैनल से हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 15 मई और आज हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी। और कहते हैं कि चार धाम की यात्रा शुरू करते हैं हरिद्वार से और हरिद्वार में आकर ख़त्म करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं हरिद्वार और यहाँ पर स्नान करेंगे और अब हमारा चार धाम की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों का सभी का आशीर्वाद रहे ताकि आगे और भी पापा को जहाँ भी दर्शन करने की ज़रूरत हो वहाँ पर हम दर्शन करवा सकें। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।